अभी हम लोग चर्च से आ गए हैं फिर से वापस से थोड़ा सा टचअप करने के बाद में अभी हम लोग बारात के लिए निकल गए हैं। आप हमारे साथ में बने रहिए और मैं मेहंदी नहीं लगाई हूँ, आलता लगाई हूँ, ये मैंने आप लोगों को नहीं दिखलाया, आप इसे तो पहचानते ही होंगे। हाँ सुजाता मेरी फ्रेंड, अभी चलते हैं थोड़ा सा डांस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे स्वागत की तैयारी हो रही है हसुआ में आग लगाकर, एंड जो बाकी लोग हैं वो हमारे स्वागत के लिए गाना गा रहे हैं, नाच रहे हैं। ये भी उसी तरह जिस तरह हम लोग नाचते हुए आए हैं, ये भी हमें लेने जाएंगे नाचते नाचते, और नाचते नाचते ही लेकर के आएंगे। We'll be right back.
दूल्हा दुल्हन अपना ड्रेस चेंज करके आ चुके हैं छुमावन में बैठने के लिए। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए दूल्हा कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रहा है, वो उसमें से डांस का खुमार अभी तक उतरा नहीं है, लगता है वो नाचते नाचते ही स्टेज तक चला जाएगा। लेकिन उन लोगों को पैदल नहीं जाना है स्टेज तक, लड़की को उसका भाई है जो वो कंधे पर उठा करके ले जाएगा और लड़के को भी कोई लड़की के साइड से ही कोई कंधे पर उठा करके ले जाएंगे। और यहाँ पर मैं वही पूछ रही थी, और यहाँ पर बीच में देखिए हमारे घर का डॉगी मैक्स नज़र आ जाएगा आपको। और मैं व्लॉगिंग कर रही थी बट फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को दे दी मोबाइल, जो कि बोला कि मैंने कि प्लीज़ तुम शूट कर लो। और मैं जल्दी जल्दी आगे जाने लगी क्योंकि स्टेज में भी मुझे बताना था कि 3 बार 3 राउंड करके ही लड़की को बैठाना है स्टेज में। सुखपूर्वक जीवन बिताते हो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाखलता की तरह फलती। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे चुमावन शुरू हो गया है, लड़की के पापा और लड़के की मम्मी ने चुमावन दे करके गिफ्ट दे करके पहला चुमावन दे करके अपना चुमावन शुरू कर दिया है। और काफ़ी अब गेस्ट आ रहे हैं तो देखते हैं उनका चुमावन का प्रोसेस।
यहाँ पे चुमाउन खत्म होने के बाद दूल्हा दुल्हन फिर से फोटो शूट करा रहे हैं। यहाँ पे देखिए दूल्हा दुल्हन अब डांस कर रहे हैं और विदाई का समय भी हो गया है, तो हम लोग चलते हैं विदाई मांगने के लिए। हम लोग में विदाई मांगा जाता है, तो आप लोग को दिखलाते हैं कैसे होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लड़की वाले और लड़के वाले दोनों ही अपने साइड से जो मिठाई लाते हैं घड़ा में भर करके, और हाँ घड़ा में ही भर के दिया जाता है, तो वो एक्सचेंज हो रहा है। लड़की वाले लड़के वाले को दे रहे हैं और लड़के वाले लड़की वाली को दे रहे हैं, तो यहाँ पे वही एक्सचेंज हो रहा है। और देखिए फ्रेंड्स हम लोग घर पहुंच चुके हैं, और जिस तरह से कंधे में उठा करके लड़की को बाहर निकाला गया था अपने घर से, तो यहाँ पे हम लोग कंधे में उठा करके घर के अंदर मतलब गेट के अंदर ला रहे हैं। और गेट के पास से एक टोकरी है, और टोकरी में ही वो चल करके आगे आएगी मतलब घर तक में जाएगी। उसी तरह सेम दूल्हे को भी गोदी में उठा करके टोकरी तक पहुँचाएंगे, और फिर वो टोकरी में एक एक करके आगे बढ़ेंगे। और तीन ही टोकरी होती है, तीन में ही वो लोग दोनों आगे बढ़ते जाते हैं। देखिए यहाँ पे लड़की की ननद लोग सारी जो गेट बंद करके हैं वो अपना नेग लेंगे, तभी दूल्हा दुल्हन को अंदर जाने देगी। चप्पल खोल के मैडम इसको तो रखते चाची इतना जोर से और
आपका किसका? मेरा किसका? तेरा। स्मिता कुछ याद आ रहा है क्या? नहीं, मेमोरी ओल्ड मेमोरीज, बस ये याद आ रहा है। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरे भाई की शादी की व्लॉग जो फाइनली आज खत्म हो रही है। आई होप सो कि आप सबों को पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को पसंद आया मेरा ये व्लॉग और मेरे ये सारे वीडियोस, तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए फ्रेंड्स हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आप वीडियो देखते तो हैं, इतने सारे व्यूज तो जाते हैं, पर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू।